माँ, प्रभु को समाधि से उठाना क्या उचित होगा? कहीं जा रही हैं देव? वो देखिए प्रभु, सभी देवी देवता वहां जा रहे हैं। मेरे पिताजी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। अब आप भी उठिए, नहीं तो हम दोनों सबसे अंत में पहुंचेंगे। नियंत्रण आने की प्रतीक्षा तो देव आदि देव महादेव भी आमंत्रण निमंत्रण की औपचारिकता में फंसते होंगे, इसकी कल्पना नहीं की थी मैं। वो मेरा ही घर है स्वामी, आप मेरे पति, उस घर के दामाद हैं। हमें निमंत्रण की क्या आवश्यकता है भला? नियमों का महत्व यदि हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा देव? नियम अनुसार बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। बुलाने की प्रतीक्षा करनी पड़े तो इसमें अपमान कैसा प्रभु? जानते हैं, बाल्य अवस्था में जब मैं अचानक से कोई कार्य कर देती थी तो पिताजी बहुत प्रसन्न होते थे। ठीक वैसे ही आज भी हम दोनों को वहां अचानक देखकर पिताजी के मुख पर फिर से प्रसन्नता छा जाएगी। पहले आप उनकी पुत्री हुआ करती थी, आज आप मेरी पत्नी हैं। पर दोनों मैं ही तो हूं। हमारा विवाह हो गया, केवल इसलिए दो भागों में बढ़ जाना ही स्त्री की नियति? यदि निमंत्रण आता तो मैं आपको जाने से कदापि नहीं रोकता, पर बुलावा आए बिना जाने का निर्णय मेरी दृष्टि में उचित नहीं है देवी। आइए प्रभु, पधारिए। ठीक है, आपको औपचारिक व्यवहार करना है तो आप अवश्य कीजिए, पर मैं अपने ही माता पिता के साथ औपचारिक नहीं बन सकती। वैसे भी महादेव, आप तो सदैव स्थिर रहते हैं, भ्रमण करने के लिए भी आपको कितनी मुनहार करनी पड़ती है, इसीलिए मैं आपके साथ जाने के लिए हट नहीं करूंगी। आप मुझे भी मत रोकिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।